बजरंग टीवी, कहानी पुराणों की, ज्योति आस्था की। हम जब वृक्ष का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में एक सुंदर विराट, शीतल छाया देने वाला, मीठे फल देने वाले वृक्ष का चित्र आ जाता है ना? अब तनिक कल्पना कीजिए, यदि वो वृक्ष ना हो, यदि उसकी जड़ें ना हो, तो क्या आपको उसकी ठंडी शीतल छाया का आराम सुख मिलेगा? क्या आपको उसके मीठे फल मिलेंगे? नहीं। अर्थात वास्तविकता वृक्ष के अस्तित्व में है, ना कि उसकी छाया, ना उसके मीठे फलों में। एक मनुष्य अपने जीवन में सदा मान सम्मान, सुख और संतोष चाहता है, परंतु एक वृक्ष की भांति उसका चरित्र, उसका अस्तित्व होता है। वो चरित्र जड़ होती है, जिससे उसकी शाखाएं फूटती हैं और उसे मान सम्मान के मीठे फल मिलते हैं, सुख की छाया मिलती है। आज का युद्ध शत्रु के वध के लिए नहीं, हमारी प्रतिष्ठा के सम्मान के लिए है पिताश्री। कौरव सेना के प्रमुख सेनापति, वचन दीजिए पिताश्री कि आज आप अर्जुन की चुनौतियों का मुंह तोड़ उत्तर देंगे और युवराज दुर्योधन की सारी आशाओं पर खरे उतरेंगे। वचन देता हूं मैं कि मैं संपूर्ण रूप से प्रयत्न करूंगा, परंतु स्मरण रहे, आज के युद्ध में अर्जुन केवल एक महारथी, एक योद्धा बनकर नहीं उतरने वाला है, उसके हृदय में अपने पुत्र की हत्या का प्रतिशोध होगा। उसके बाणों की धार और अधिक पैनी होगी। उसके हर वार में अतिरिक्त बल होगा। युद्ध का आज का दिन निर्णायक होगा। प्रतीत होता है कर्ण आ गया। इतने सब कुछ हो जाने के पश्चात भी ये मूर्ख दुर्योधन उस कर्ण की प्रतीक्षा क्यों करता रहता है, समझ में नहीं आता। युवराज दुर्योधन, आप व्यर्थ की प्रतीक्षा कर रहे हैं, कर्ण नहीं आएगा। हमें रणनीति पर ध्यान देना चाहिए। आज के युद्ध में हमें एक व्यू की नहीं, अनेक व्यू की आवश्यकता पड़ेगी। अर्जुन का सर्वप्रथम सामना करना पड़ेगा शक्ति व्यू का। जिसकी अगुवाई करेंगे दुशासन और अश्वत्थामा, और शक्ति व्यू के ठीक पीछे सुचिमुख व्यू होगा। तो सुई के नोक के भांति शत्रु पर तीखा प्रहार करेगा, जिसके सुरक्षा के लिए मैं स्वयं उपस्थित रहूंगा। और फिर आएगा कमल मुख व्यू, और कमल व्यू के मध्य होंगे जयद्रथ, और वहां युवराज सक्षम धनुर्धरियों के साथ उपस्थित होंगे, जिनकी सहायता करेंगे मारा शैल। युद्ध का 14वां दिन।
प्रतीत होता है कि आचार्य द्रोण ने एक जटिल व्यू की रचना की है और अवश्य ही जयद्रथ को इस व्यू की सबसे अंतिम रेखा में रखा गया होगा ताकि हमारे पहुंचने से पहले ही सूर्यास्त हो जाए। आज मुझे जयद्रथ तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए माता। आओ अर्जुन आओ। आज अर्जुन के मार्ग में आने की भूल मत करना अश्वत्थामा, क्योंकि आज हम युद्ध के लिए नहीं प्रतिशोध के लिए आ रहे हैं। राजकुमार अर्जुन के वेग को आज कोई नहीं रोक पा रहा है महाराज। सतर्क रहो पार्थ, शुचि मुख के भीतर हम प्रवेश करने वाले। आक्रमण! आपका आशीर्वाद मुझे मिल चुका है गुरु द्रोण। अब आप हट जाइए, यह एक नई शिष्य की विनती नहीं व्यथित पिता की चेतावनी है। हट जाइए मेरे मार्ग से आचार्य द्रोण।
एक पिता के हृदय के पीड़ा से भली भांति परिचित हूं मैं अर्जुन। इसी कारण गुरु हत्या का पाप तुम पर कदापि नहीं लगेगा। स्मरण रहे, इस समय तुम्हारे समक्ष तुम्हारे गुरु नहीं विपक्ष सेना के सेनापति द्रोण खड़े हैं। प्रहार करो। पिताश्री दृष्टि जो मेरी तरफ पड़ रहा है। चिंता मत करो, आ रहा हूं मैं। तैयार हो जाओ मेरे होने वाले सम्राट। अर्जुन इसी ओर बढ़ रहा है। स्मरण रहे, अस्माकं विजयं निश्चितम्। आ जाओ अर्जुन, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तुम आज अपनी मृत्यु के समीप आ रहे हो। हे ईश्वर, आचार्य द्रोण भी अर्जुन को रोक नहीं पाए। बाधाएं अभी समाप्त नहीं हुई हैं महाराज। राजकुमार अर्जुन के समक्ष महाराज शल्य खड़े हैं। क्या युद्ध आरंभ हुआ शल्य और अर्जुन के मध्य? युद्ध आरंभ होने से पहले ही समाप्त हो गया महाराज। सूर्यास्त होने में अभी बहुत समय शेष है दुर्योधन, और मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं। कहीं ऐसा ना हो कि जयद्रथ से पूर्व मुझे तुम्हें मारकर अपने जेस की प्रतिज्ञा भंग करनी पड़े। मेरा वन नहीं अर्जुन, आज भीम की नहीं, तुम्हारी प्रतिज्ञा भंग होगी। क्योंकि जयद्रथ तक पहुंचने से पूर्व तुम्हें मुझे परास्त करना होगा, और मुझे परास्त करना तुम्हारे लिए संभव नहीं। मुझे विश्वास था मित्र कि तुम आओगे। मित्र का है तो सुनो कुमार, एक मित्र के लिए अपने मित्र का वचन सबसे अनमोल होता है, और जयद्रथ केवल तुम्हारा ही नहीं मेरा भी उत्तरदायित्व है।
क्या हुआ संजय? राजकुमार अर्जुन और अंगराज आमने सामने हैं। एक की आंखों में अग्नि तो दूसरे के मुख पर आवाहन है महाराज। आशा है ये कर्ण नामक कवच आज संध्या तक अवैध रहेगा। कल जिसे श्रद्धांजलि देने आए थे अंगराज, आज उसी के हथियारे का कवच बन बैठे हो। तो सुन लो, आज हमारा भी अंतिम संग्राम होगा। सौम्यास्त्र शांत पार्थ, तुम जिससे युद्ध कर रहे हो वो अपने क्रोध को अस्त्र में परिवर्तित करना जानता है। संयम से पार्थ, आज तुम्हारा लक्ष्य अंगराज कर्ण नहीं जयद्रथ है। अंगराज युद्ध भूमि में प्रवेश कर चुके हैं और जयद्रथ की रक्षा के लिए महारथी अर्जुन के समक्ष खड़े हैं। महारानी, महारथी अर्जुन के वेग को अंगराज ने रोक दिया है। उनके युद्ध में प्रवेश से कौरवों का मनोबल बढ़ गया है। सूर्यास्त होने में केवल एक प्रहर शेष है। अंगराज कर्ण पूरे मनोयोग और पूरे बल के साथ युद्ध कर रहे हैं महाराज, और ऐसा प्रतीत हो रहा है सूर्यास्त तक अंगराज कर्ण जयद्रथ की रक्षा कर लेंगे महाराज। अर्थात आज दोहरी शुभ सूचना मिलेगी गांधारी, जयद्रथ के प्राण भी बचेंगे और आज अर्जुन के जीवन का अंतिम दिन होगा। यदि आर्य अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण ना की तो धरती पर से सदा के लिए स्त्री का सम्मान भी मर जाए। रक्षा करो माँ, आर्य अर्जुन को शक्ति दो, रक्षा करो। पार्थ, सूर्यास्त होने को है। स्मरण रहे पार्थ, यदि जयद्रथ का वध सूर्यास्त से पूर्व नहीं हुआ तो आज सूर्यास्त के साथ धर्म स्थापना के संकल्प के सूर्य का भी अस्त हो जाएगा। महाराज,
अर्जुन, आज मृत्यु तुम्हारा वरण करेगी, विजय नहीं, क्योंकि आज तुम्हारे सर पे राहु बैठा है। राहु, विजय, विजय हमारी हुई गांधारी, अब जयद्रथ भी सुरक्षित है और अर्जुन को अपना वचन पूर्ण करने हेतु आत्मदाह करना ही होगा। उसके बाद इस महायुद्ध में विजयी होगा हमारा पुत्र। क्यों? देखो, सूर्यास्त हो गया अर्जुन, अब क्या करोगे? अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करोगे या कायरों के भांति उसे भंग कर दोगे? क्या करोगे? अरे मित्र, और धन्यवाद तुम्हारा मित्र, तुम नहीं होते तो यह संभव नहीं था। मैं जानता था मेरा ये मित्र मेरी सहायता के लिए अवश्य आएगा, तुम्हारे भी, और इस अर्जुन की प्रतिज्ञा पूर्ण होने से तुमने रोक भी लिया। तुम सचमुच मेरे परम मित्र हो। और आज तुम्हारी सहायता से मेरे मार्ग का सबसे बड़ा कांटा हट गया। अब तो तुम्हें जीतने के लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा अर्जुन। आओ धनुर्धारी अर्जुन, आओ। कुरुवंश के वंशज हो, प्रतिज्ञा भंग नहीं कर सकते, मैं समझ सकता हूँ। और अपने ही भाई को जीवित चिता पर देखना अन्य पांडवों के लिए बड़ा कठिन हो जाएगा, परंतु तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारा मामा। मामा भांजे की सहायता नहीं करेगा तो और कौन करेगा है?
मुझे तुम्हारे इस परिणाम का आरंभ से ही भान था। इसीलिए सारी तैयारियां मैंने पहले ही कर ली है। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है अर्जुन। बस जब तक उस अभिमन्यु का शव नहीं आ जाता तब तक तुम उस चिता पर प्रतीक्षा करो अर्जुन। द्वारकाधीश बड़ा विश्वास था ना अपनी नीति पर, क्या हो गया है? हार गए ना ये चाल भी शकुनि से। अर्जुन जैसे महान धनुर्धर की चिता को अग्नि देने का महान कार्य केवल ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर करे तो ये अन्य पांडवों पर अन्याय नहीं हो जाएगा है? इसीलिए मैंने पहले से ही चार मशालों का प्रबंध कर दिया है ताकि चारों भाइयों को अग्नि देने का आनंद प्राप्त हो जाए। लाओ 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 लाओ। मेरे रहते अन्याय कैसे हो सकता है, है? लो। अरे मामा हूं तुम्हारा भी लो। आपके साथ तो धर्मराज मैं चाह कर भी अन्याय नहीं कर सकता। लीजिए। हाँ। सदैव लो 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 नाग्नि। जाओ अर्जुन, चिता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, अपना वचन पूरा नहीं करोगे? मैं कौंते पुत्र अर्जुन और भीष्म का पुत्र अभिमन्यु का पिता अपने दिए गए वचन से पीछे नहीं हटेगा। कुछ तो विचित्र है। क्षमा कीजिए माता, मैं आपको निराशा के अतिरिक्त कुछ नहीं दे पाया। आज्ञा दीजिए।